A capacitor of capacitance C1 is charged up to a potential of V. तो ये C1 capacitor है, potential कितना है V. Next है connected in parallel to an uncharged capacitor, तो C2 capacitance है, लेकिन V2 zero. कई लोग सोच देते हैं C2 zero, C2 का zero होगा, तुम पानी भरो ना भरो, बाल्टी की तो capacity रहेगी रहेगी, तो C2 तो रहेगा, V2 zero. तो आपको क्या बताना है, potential difference across each capacitor क्या होगा जब इन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा. तो कॉमन पोटेंशियल पूछ रहे, तो C1 into V1 यानी कि C1 into V प्लस सेकेंड कैपेसिटर में V0 है अपॉन C1 प्लस C2 इज द आंसर. तो क्या मार्क करने हैं, ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है? कॉमन पोटेंशियल के ऊपर NCERT के ऊपर ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं, पक्का आएगा कॉमन पोटेंशियल, पक्का आएगा. कॉम्पिटिशन के अंदर भी कॉमन पोटेंशियल के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है, दोनों इंपॉर्टेंट है. नहीं, मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की, इसका मतलब ये है एक कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो वो C2 की कैपेसिटी है, जब भरेगी तब काम आएगी ना, जो खाली कैपेसिटी की बात करेंगे. अब ये ना कहीं क्यू बाई वी वी जीरो कर दिया तो सी इनफाइनाइट, नहीं ऐसा नहीं है. जब भरोगे ही नहीं तो कैपेसिटेंस किस काम का, ऐसा है. कैपेसिटेंस का रोल ही तब है जब चार्ज स्टोर हो. ये कॉमन पोटेंशियल का तो नहीं है, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को साथ ही साथ देख सकते हैं, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है. देखिए जरा क्या क्वेश्चन है. क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स. तो N1 कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है. ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V. तो सीरीज में हमने कुछ कैपेसिटर्स लगाए और उसको चार्ज किया गया 4V वोल्ट के साथ. फिर हमने पैरेलल में N2 कैपेसिटर्स लगाए और उसको चार्ज किया वी के साथ. अब वो कह रहा है द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट एज फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज. जब सीरीज में टोटल एनर्जी आई और पैरेलल में टोटल एनर्जी आई, दोनों की एनर्जी सेम पाई गई, तो आपको C1 C2 का रेशियो निकालना है क्या होगा. चलो पहले सीरीज में 1 बाय C1 N1 टाइम्स N1 बाय C1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी आ गया. तो सी की वैल्यू क्लियर है यहां तक. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू C1 बाय N1 इंटू कितना पोटेंशियल है 4V का स्क्वायर. तो एनर्जी की वैल्यू आ गई सीरीज में. पैरेलल कॉम्बिनेशन में हाफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, C2 N2 टाइम्स है N2 C2, और कितने वोल्ट के साथ इसको चार्ज किया जा रहा है, वी के साथ. तो टोटल एनर्जी पैरेलल में आ गई, पैरेलल सीरीज की एनर्जी बराबर है, तो ऑब्जेक्टिव मार्क कर लेना, C1 C2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, कॉमन पोटेंशियल का तो नहीं है, पर चलो फिर भी ये कॉमन पोटेंशियल क्या है, इस क्वेश्चन को देखें. देखो क्वेश्चन है कि कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो मतलब एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया, सिंपल बात करते हैं. एक कैपेसिटर सी को वी बैटरी से चार्ज किया, तो सी पता है वी पता है. एक और कैपेसिटर लिया सी का अनचार्ज्ड है, वी लिया ही नहीं, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. तो पैरेलल में कनेक्ट करके कॉमन पोटेंशियल बोलो क्या आएगा, सी इंटू वी प्लस जीरो डिवाइडेड बाय सी प्लस सी, तो क्या आएगा वी बाय टू. सही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल दोनों पे वी बाय टू. क्या पूछ रहा है आपको, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम. तो नया सिस्टम की एनर्जी क्या है, तो नए सिस्टम की एनर्जी क्या होगी,
हाफ सी इंटू वी बाई टू का स्क्वायर, हाफ सी इंटू वी बाई टू का स्क्वायर, ये एनर्जी होगी। और अगर वो ये पूछ ले लॉस ऑफ एनर्जी कितनी है, तो फिर इनिशियल एनर्जी निकाल लेना। इनिशियली तो सिर्फ इसके पास एनर्जी थी हाफ सी वी स्क्वायर, सेकेंड के पास तो थी नहीं, फाइनल एनर्जी दोनों के पास है, दोनों को माइनस कर लेना, ये लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगी अगर पूछी हो तो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं? ठीक, अगर रिजल्टिंग एनर्जी पूछ रहा है तो बस रिजल्टिंग बता देना, लॉस पूछ रहा है तो लॉस भी कर देना। नहीं है हरमन, ने हरमन ऑनलाइन है? एक मिनट एक मिनट, फोन दे देना मैं। हाँ जी, ये इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, फाइनल क्या है, वन बाय फोर सी वी स्क्वायर। ठीक है फिर, ठीक है छोड़ दें, जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे फिर क्या करना है। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? आपको फाइनल एनर्जी समझ में आई कैसे करनी है? ठीक, ये भी कॉमन पोटेंशियल है, इस क्वेश्चन को देखना। क्या क्वेश्चन है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी। तो सी को वी के साथ चार्ज कर दिया, एक और कैपेसिटर लिया जिसकी कैपेसिटी कितनी है 2C, लेकिन चार्ज किसके साथ किया 2V, सी वी और 2C 2V। द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड और फेंक दिया गया एंड दोनों कैपेसिटर को पैरेलल के साथ लगाया गया इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर। तो मैंने हिंट लिखवाया था आपको, तो आपको सिस्टम की फाइनल एनर्जी निकालनी है। तो रूल नंबर वन, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कॉमन पोटेंशियल। पहला कैपेसिटर सी चार्ज टू वी, तो सी वी। दूसरा कैपेसिटर 2C चार्ज टू 2V, तो 2C इंटू 2V 4CV, बड़े में से छोटा माइनस, मॉड लगाने को बोला था, तो बड़े चार्ज में छोटा चार्ज माइनस डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू, कॉमन पोटेंशियल आ गया। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया जब ये दोनों पैरल में कनेक्ट, जब ये दोनों कॉमन पोटेंशियल अटेन कर गए तो ये पैरल में कनेक्टेड है 3C। तो सिस्टम की फाइनल एनर्जी क्या आएगी? हाफ सी इक्वलेंट इंटू कॉमन का स्क्वायर, यानी कि हाफ 3C इंटू कॉमन पोटेंशियल वी का स्क्वायर आंसर। तो ये स्टेप समझ में आया एंड में, जब ये आपस में कॉमन पोटेंशियल अटेन कर गए तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या हो गई 3C और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू वी आंसर। कोई डाउट इसमें? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? ये हमने ऑलरेडी कर लिया था,
जब मैंने आपको फॉर्मूला उसमें लिखवाया था कि बैटरी जो वर्क डन करती है इन चार्जिंग का कैपेसिटर वो क्यू वी होती है, पर कैपेसिटर तो हाफ क्यू वी चार्ज होता है, तो बाकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो पूछ सकता है ये लॉस किस फॉर्म में होगा, तो ऑप्शन ऑप्शन मार्क कर देना, इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी होती हैं, अभी हम उसके ऊपर जा नहीं रहे। तो वेव की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है, जैसे हीट की फॉर्म में इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। तो हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती रहती है। ठीक, पूछेगा नहीं पर फिर भी पता ही नहीं लगता कुछ भी।